व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास की बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ओह सॉरी, नमस्ते फ्रेंड्स। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है कोरोना, और आपको पता है? तो फिर घर से बाहर क्यों निकल रहे हो यार? ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। समझ नहीं आता क्या? कोरोना गो 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 कोरोना गो कोरोना गो। एक्सक्यूज मी, सुनिए जी, बोलिए। ये कोरोना आपकी मौसी का लड़का है तो फिर आप गो कोरोना क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से चल जाएगा? हाँ शायद चल जाए। गो कोरोना गो गो। दोस्तों, कमी नहीं हमारे देश में सुअगरों की। कुछ लोग तो यही देखने घर से बाहर निकल रहे हैं कि कौन घर से बाहर निकल रहा है और कौन घर से बाहर नहीं निकल रहा। हाँ मैडम, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? 80 किलो चावल, 100 किलो शक्कर दे दीजिए भैया, और 150 किलो बेसन। अरे क्या मैडम, आप भी राशन का सामान लेने आए या अपनी खुद की दुकान खोलने के लिए सामान ले जा रहे हो? अरे क्या भैया, 15 तो दुकानें बंद रहेंगी। अरे सब आप हुआ है मैम, सब आप हुआ है। अरे कुछ अपन नहीं भैया, टीवी देखते हो? टीवी आप ठीक है। हाँ दोस्तों, और एक और बात, हमारे देश में ना मूर्खों की कमी नहीं है। जब सरकार ने बोल दिया कि मेडिसिन और राशन के सामान की दुकानें खुलेंगी, इसके बावजूद भी लोग स्टोर कर रहे हैं, 50-50 किलो चावल खरीद रहे हैं। इन्हें कहते हैं पढ़े लिखे गवार। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, आतंक मचा रखा है, कोरोना वायरस। यहाँ पर मैं आतंक मचाने आया हूँ, तहस नहस करने आया हूँ, विनाश करने आया हूँ। अच्छा बेटा रुक, अभी तो रुक। नहीं भैया, हमने तो मास्क पहन लिया, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम सेफ है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की ऐसी अफवाह न उड़ाएं और ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकें। ऐसे किसी भी व्हाट्सएप या मैसेज जिसमें किसी प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है, पहले उसकी जाँच पड़ताल अच्छी तरह से कर ले, उसके बाद ही उसे अगले व्यक्ति को भेजे। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। इस समय पर जो सरकार कह रही है, जो हमारे प्रशासन कह रहा है, उनकी बात को माने और इन सभी गाइडलाइंस को जो उन्होंने जारी किए उनको फॉलो करें। चलो ठीक है, आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन दूसरे लोगों की तो सोचो, आप क्यों उनकी जान जोखिम में डाल रहे हो? इसलिए सरकार के कहे आदेश की अनुपालना करें और घरों से बाहर नहीं निकले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इटली और चीन जैसे देशों में जो घटनाएं घटी है, वैसी भयानक घटनाओं से बचने के लिए ही भारत में जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अगर जान है तो जहान है। हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। The fucking eagles up on the